आगरा और फतेहपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, कितनी भी शादियां क्यों ना हो, जब मैं दिन रात मेहनत करता हूं, तो देशवासियों से इतना तो मांग सकता हूं कि वोट जरूर दें। साथ ही देशवासियों को कहा कि मेरा एक काम करना, घर घर जाना और लोगों से कहना कि मोदी जी आए थे, राधे राधे बोला है। कांग्रेस ने युवाओं की क्षमता को बर्बाद किया है। हमारे पड़ोस राजस्थान में वहाँ कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ उसमें कांग्रेस की गहलोत सरकार खुद शामिल थी। पीएम मोदी ने कहा कि बताओ इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है, राजस्थान में कांग्रेस का पेपर लीक हो गया है, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी सच्चाई है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, इनमें से 3 करोड़ घर माताओं और बहनों को मिले हैं। माताओं और बहनों के जनधन खाते खुलवाए जिससे योजना का सीधा पैसा उनके खाते में जाए। अब मोदी का वादा है कि 3 करोड़ दीदी को लखपति बनाया जाएगा। मुझे मेरे देश के युवाओं पर नाज है, आज देश में नए नए अवसर मिल रहे हैं, युवाओं की हर आकांक्षाओं का ध्यान हमारी सरकार रख रही है। मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का नया प्लान सामने आया है। याद रखना, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तय किया है कि 27% जो ओबीसी का आरक्षण है उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने रातों रात मुस्लिम को ओबीसी बनाकर हक पर डाका डाला है। न्यायालय ने उनकी बात को ठुकरा दिया है, इसलिए कांग्रेस पिछले दरवाजे से काम करने का प्रयास कर रही है और ओबीसी के 27% के कांटे से छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस यही करना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति ने देश को बांट कर रख दिया है, इसलिए आज मोदी तुष्टिकरण को समाप्त करके संतुष्टिकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर 100% मुस्लिम लीग का ठप्पा लगा हुआ है। मोदी की गारंटी सबका साथ सबका विकास की है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा 10 साल का रिकॉर्ड हो या फिर बीजेपी का संकल्प पत्र, हम जोर दे रहे हैं कि सरकार योजनाओं का सबको लाभ मिले। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दुनिया भर में जो हथियारों के दलाल हैं, जो पुरानी सरकारों को घुस देकर अपने काम कराने में एक्सपर्ट हो गए हैं, जिन पुरानी सरकारों में बैठे लोगों को मलाई खाने को मिलती थी, वो अब बौखला गए हैं, बहुत नाराज हैं, वो नहीं चाहते भारत की सेना आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो अब एकजुट हो गए हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत राधे राधे से की। वे बोले, आपके पास विशेष रूप से आया हूँ, पहले कुछ देने आता था लेकिन इस बार कुछ लेने आया हूँ। मैं विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। यदि भारत विकसित होता है तो आपके परिवार, आपका और आपके बच्चों का भला होगा, इसलिए देश एकजुट होकर आ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी आगरा में पीएम मोदी का आगमन हुआ है। इस अवसर पर मैं आगरा की जनता की ओर से पीएम मोदी का स्वागत करता हूं। आगे सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ा है, विकास के कई कार्य हुए हैं, जिन लोगों को भारत के अंदर विकास की योजनाएं, सुरक्षित भारत अच्छा नहीं लग रहा है, वे फिर गठबंधन करके आए हैं।